गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है वितान, उसका चैप्टर भारतीय गायिका मोहन बेजोड़ लता मंगेशकर। तो बच्चों लास्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो संगीत दिग्दर्शक हैं, उन्होंने अपनी जो लता मंगेशकर हैं उनका कितना फायदा उठाया, अर्थात उन्होंने उनसे किस प्रकार से गवाया, किस प्रकार से नहीं गवाया, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि यदि मैं लता मंगेशकर को ये काम देता तो शायद मैं बहुत जटिल कार्य करता। आइए इसको चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। अर्थात जो लता जी थी उनकी विशेषता ये है कि वो जो गाना गाती थी उनके जो स्वर थे उसकी जो गहराई थी, ऊंचाई थी, बहुत ज्यादा थी। अर्थात स्वरों को बहुत ही वो स्वरों को ऊंचाई में लेकर गाती थी। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। अर्थात उनके जो गीत हैं, उन गीतों में उनके जो शब्द हैं, अगर हम दो शब्दों में आपस में अंतर करें तो कहीं ना कहीं हमें आलाप के बारे में पता चलेगा, अर्थात हमें सुर और लय के बारे में पता चलेगा कि अगर किसी शब्द में सुर नीचा लगाना है या सुर ऊपर लगाना है तो हमारा सुर कितना कामयाब होगा। साथ में बता रहे हैं कि वो स्टेज बड़ी सुंदरता के साथ वो गाती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसमें ये बता रहे हैं लेखक कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे दोनों शब्द एक दूसरे के लिए ही मात्र बने हो, अर्थात एक दूसरे में विलीन होने की बजाय एक दूसरे से उनका कनेक्शन हो जाता था। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। अर्थात यदि हम किसी स्वर के सहित गाने के आलाप भरते हैं, अर्थात कोई गाना गाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु जो ये काम है ये लता जी के लिए बहुत ही सहज है और आसान है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। अर्थात लता जी के जो गाने की विशेषता है वो विशेषता यह भी है कि उन्होंने करुण रस को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है, अर्थात उनके गानों में कहीं ना कहीं करुण रस जो है वो झलकता है। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती, लेखक बता रहे हैं, पर मुझे ये बात खुद समझ में नहीं आती। मेरा अपना खुद का जो मत है वो ये है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है जितना बजाय इसके कि मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्वितल्ले के गाने लता ने बड़ी उत्कंठा से गाए। अर्थात लेखक को ऐसा लगता है कि शायद करुण रस के गानों में उन्होंने इतनी क्या नहीं करा है, न्याय नहीं किया है, करुण रस के गानों को इतना अच्छा नहीं गाया है बजाय श्रृंगार रस के गाने। श्रृंगार रस अर्थात जिसमें प्रेमी और प्रेमिका होती है, जिसमें ये गाना नायक और नायिका के ऊपर फिल्माया जाता है, उनको लगता है कि उन्होंने वो गाने बहुत ही आसानी से और सरलता से गाए हैं। तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशक जो हैं, संगीत प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होते हैं, उनसे जैसा गवाएंगे वो बेचारी वैसा ही गाएंगी। ऐसा कौन कह रहे हैं, हमारे लेखक कह रहे हैं। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, अर्थात वो जो गाना गाती है उस समय वो बहुत ही ऊंचे स्वर लगाती है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। हमारे जो लेखक हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं लता जी जो गाने गाती हैं वो बहुत ही ऊंची पट्टी में गाती हैं, अर्थात ऊंचाई तक वो स्वर को लगाती हैं, अलापती हैं, जबकि कई बार ऐसा भी लगता है कि अकारण उनसे कहीं ना कहीं चिल्लाया जा रहा हो। एक प्रश्न ये भी उठता है, हमारे लेखक कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का जो स्थान है वो कौन सा होना चाहिए। वो कह रहा है मेरे मत से ये प्रश्न कहीं ना कहीं खुद में ही प्रयोजनहीन है, अर्थात मैं ये प्रश्न पूछकर खुद ही स्वयं को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो लता जी हैं वो तो अपने आप में ही एक बहुत ही सशक्त महत्वपूर्ण हस्ती हैं। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्र संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। मतलब वो बता रही है उसके बारे में कि शास्त्रीय संगीत और वास्तव में बच्चों जो चित्र संगीत में उसमें तुलना तो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की अपनी जो भी लय है, संगीत है, वो है जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चंपलता चित्र संगीत का मुख्य गुणधर्म है। देखिए शास्त्रीय संगीत में क्या होता है बच्चा, शास्त्रीय संगीत में बहुत ही गंभीरता के साथ संगीत को
गाया जाता है या बजाया जाता है, लेकिन जो हमारा चटपट संगीत है वो बहुत ही चंचल है, उसमें तरह तरह की कुछ भी क्रिया करके हम गा सकते हैं। और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो चटपट संगीत है बहुत आसान है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें तो कोई सामान्य व्यक्ति भी उसको गा सकता है और उसके बारे में समझ सकता है। लेकिन जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो बहुत ही कठिन होता है, उसको हर कोई व्यक्ति अगर कोशिश भी करे तो नहीं सीख पाता है। चटपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है और उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान नहीं होती। चटपट संगीत जो होता है वो बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत है जो हम बिल्कुल भी आसानी से नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें बहुत ही कठिन और बहुत ही ताल होती है। आगे बता रहे हैं, इसमें सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता है, अर्थात जो हमारा चटपट संगीत है उसमें बहुत ही आसानी से उसको हम सीख लेते हैं, और तथापि चटपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की इतनी उत्तम जानकारी नहीं होती है, आवश्यक है और वह लता के पास निशंच है। लेकिन जो हमारी लता जी हैं, लता जी के पास इसकी जो जानकारी है बहुत ही आसानी से उनको प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। देखिए, 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने को एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल। अतः हमारा जो चित्रपट संगीत है उसको हम 3.5 घंटे में गा सकते हैं, लेकिन हमारी जो शास्त्रीय गायक की जो होती है उसको कम से कम हमें 3.5 घंटे लगते हैं उसको हमें गाने में। लेकिन दोनों का एक एक कला है, दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अपनी एक जगह कलात्मक है, और कहीं ना कहीं हमें दोनों से ही अमूल्य आनंद की प्राप्ति मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। कौन कह रहे हैं? हमारे लेखक कह रहे हैं, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है। अर्थात वो कह रहे हैं कोई ऐसा लेख जिसके बारे में, किसी लेखक के बारे में विस्तृत रूप से हम बात कर सके, तो वही रहस्य छोटे से सुशाबित का ही नन्नी सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिकोण है। अर्थात हर व्यक्ति का कोई ना कोई रहस्य है, उसका कोई ना कोई दृष्टिकोण है कि सामने वाले चीज को हम किस नजर से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रगनार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रा में आस्वादित किया जा सकता है। अर्थात हमारे लेखक जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जो 3 घंटे की महफिल है उसका आनंद कहीं ना कहीं हमें लता जी के 3.5 मिनट के गायन में प्राप्त हो जाता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होती है। अर्थात ऐसा लगता है कि उनके गाने से कोई ना कोई चीज हमें प्राप्त हो रही हो, एक आनंद की प्राप्ति हो रही हो। स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है लता जी के गानों में, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। कहीं ना कहीं उनके गाने सुनकर हम पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं, हस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चटपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में है कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। अर्थात हमें दोनों में से किसकी ज्यादा अच्छी प्राप्ति हो रही है इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी हमारे जो लेखक है वो कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल भी नीरस ठहरेगा। अर्थात अगर उसमें भी ठहराव ना हो इतना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वो हमें नीरस यानी कि हमें बोरिंग महसूस नहीं होगा, अनाकर्ष प्रतीत नहीं होगा, और उसमें जो भी कमी सी प्रतीत हो रही है, गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्के बन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण ही हमें प्राप्त होता है। गाने की जो सारी मिठास है, सारी ताकत है, उसकी रंजकता का मुख्यतः अवलंबित रहती है। जो रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें किस तरह से उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से हम ये सारी चीजें समझनी चाहिए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए। इसमें समाविष्ट है कि किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंग अभिव्यक्ति में होगा। अर्थात दोनों का अपना अपने अलग अलग कलाएं हैं, दोनों अपने हिसाब से यानी कि चित्र प्रस्तुति देगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा, क्योंकि लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं। ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। हमारे लेखक कह रहे हैं कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक
तीन मिनट की अवधि में चितपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटा से गा सकेगा? नहीं, यह है, यही उस प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा कि क्या किसी के अंदर इतनी काबिलियत है कि कोई 3.5 मिनट में उस गाने को बहुत आसानी से गा सकता है। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्र संगीत के कारण लोगों की जो अभिरुचि है वो बिगड़ गई है, अर्थात उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो गानों से बिगड़ रहे हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक की बड़ी आत्मसंतुष्टि व्रती के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर ली है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, अर्थात कहीं ना कहीं हम जैसे रिसर्च करते हैं किसी चीज पर, इसी तरह संगीत में भी जैसे रिसर्च हो रहा है और हमारी चौकस यानी कि हम बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आज के जमाने में सब कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि जो गाना हम सुन रहे हैं वो मीठा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। क्रांति यानी कि नयापन, सब चीजें कौन लाया है? चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज के संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। अर्थात संगीत में लचकदारी, चंचलता, इन सारी चीजों का समावेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बता रहे हैं, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, अर्थात आए दिन हमें कुछ न कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा शास्त्रीय रंगवारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग में लिया है, आए दिन हमें तरह तरह के नए म्यूजिक्स का आविष्कार करके उससे संगीत जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार हमारी राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के जो लोकगीतों का भंडार है उन्हें भी हमारे जो है दर्शक उन्होंने खूब इंजॉय किया है, खूब लूटा है। ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की जो लता है अनावश्यक सामग्री है, अर्थात वो कहीं ना कहीं एक तरीके से महारानी पद पर बैठी हुई है। और भी कई पार्श्व गायक गायिका हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं कहीं अधिक है। अर्थात जो हमारी लता जी हैं वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अर्थात जिसको कोई भी डिगा नहीं सकता है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, अर्थात बहुत सालों से वह गाती आ रही हैं, और फिर भी उसकी लोकप्रियता अभावित है, अर्थात कोई भी ऐसी बाधा नहीं आई है उनके गाने में। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है, ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं, अर्थात उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्वरों में, लय में, तार में, रागों में गाने गाए हैं। भारत के कोने कोने में लता जी के गाने जो हैं बच्चों वो पहुंचे हैं, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना गाकर लोग पागल हो उठते, अर्थात उनके गाने में इतना मिठास, इतनी अच्छी लगती है उनके गाने कि लोग कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये क्या एक चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। जब भी हम उनके गानों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही बच्चों पैदा होता है, ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं हम। कितना हमारा बड़ा भाग्य, अर्थात हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि लता जी को आज भी हम देख रहे हैं। तो बच्चों आज आपका ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।